हेलो दोस्तों, मिस्टर ग्रेट टेक्निकल में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से नई वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमने एक ऑडियो लाइट बोर्ड मंगाया है जो कि हमने डायरेक्ट कंपनी से मंगाया है। तो चलिए हम इसे करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं अंदर से बोर्ड कैसा निकलता है और कंपनी ने हमें कैसा प्रोडक्ट दिया है। हम सब बताएंगे कैसे इसके अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये देखिए, पैकिंग काफ़ी अच्छी दी है इन्होंने और पार्सल भी काफ़ी सेफ आया है। ये देखिए, जैसा आप देख रहे हैं आपके सामने है, कितनी अच्छी पैकिंग और कितने सेफ तरीके से दिया है। दोस्तों, इस कंपनी का व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इनके प्रोडक्ट मंगा सकते हैं और इनकी कैटलॉग भी है उस पर, वहीं से अपना मनचाहे प्रोडक्ट देख के मंगा सकते हैं। बेस्ट ट्रेवल बोर्ड, ये ऑडियो बोर्ड, तो ये ऑडियो लाइट ब्रांड का है। तो दोस्तों, ये मेरे पास पार्सल लुधियाना पंजाब से आया है, ये मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे करते हैं। तो ये देखिए कितनी हैवी हीट सिंक है और काफ़ी अच्छा वज़न है इसके अंदर। ये देखिए, इन्होंने कनेक्टर दिए हैं जो कि अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर ये नहीं देते, इन्होंने बताया था मुझसे। लेकिन अगर आप इनसे डायरेक्ट मंगाओगे तो ये आपको कनेक्टर भी देंगे। तीन कनेक्टर दिए हैं इन लोगों ने। तो चलिए, ये देखिए तीनों चैनल के वायर भी लगा के दिए हैं, आउटपुट वायर लगे हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी क्वालिटी के TTC बाउंसो लगे हुए हैं। TTC बाउंसो तो सिर्फ फेमस ट्रांजिस्टर है जो कि कॉपी चल रही है मार्केट में, ओरिजिनल नहीं होता। लेकिन TTC जो बाउंसो है वो ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है और इन्होंने ओरिजिनल ही लगा के दिए हैं इस बोर्ड में। और आप जब खुद परचेज़ करोगे, मंगाओगे घर पर, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है ऑडियो लाइट। ये देखिए अच्छे से देखिए दोस्तों, कहीं भी कैसा भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। कंपोनेंट सब हैवी क्वालिटी के लगाए गए हैं। और ये देखिए हीट सिंक वाकई में इनकी वाकई हीट सिंक तारीफ के काबिल है। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया है बोर्ड कैसा है। इसमें TTC 5200 और 1943 लगे हुए हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी का बोर्ड है और सारे ट्रांजिस्टर हाई लेवल के लगे हुए हैं, एक भी लोकल ट्रांजिस्टर नहीं है, ना ही कोई कंपोनेंट लोकल है इसके अंदर। ये देखिए, एक चैनल ये रहा और एक चैनल ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ऑडियो लाइट का। तो जो भाई मेरे एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं या एम्पलीफायर बनाते हैं, वो अगर इस ऑडियो लाइट के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो उन्हें एक अलग ही लेवल का साउंड मिलेगा, एक साउंड क्वालिटी जो होती है वो मिलेगी ऑडियो लाइट के अंदर। ये मैंने टेस्ट किया है, पहले भी बोर्ड बनाए थे और ट्रांजिस्टर में, लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो अलग ही लेवल की है। ये कैल्ट्रॉन के कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये देखिए दोस्तों, इसमें ये देखिए, ये PFB जेन्युइन क्वालिटी के लगे हुए हैं, ब्लू वाले PF हैं। ये देखिए NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका नंबर देखिए। तो दोस्तों, नहीं तो BDX 39 लगा हुआ होता है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा शायद TTC बाउंस और 1943, सारे कंपोनेंट हाई लेवल के हैं, हाई क्वालिटी वाले कंपोनेंट हैं और आपको मार्केट में भी आसानी से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मार्केट में नहीं मिलेंगे, कभी कोई भविष्य में कोई दिक्कत आए या कुछ हो। लेकिन हीट सिंक पे बहुत वो हो रहा है मुझे, इन्होंने हीट सिंक जो लगाई है बहुत ही हैवी हीट सिंक लगाई है, बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। मेरा यूज़ किया हुआ बोर्ड है, मैंने खुद यूज़ किया है, खुद बेस भी एक अलग ही धांसू निकल रही है। बेस तो दोस्तों इसकी इतनी धांसू निकल रही है, बस कोई लाजवाब नहीं इसका, जिसका कोई जवाब नहीं, लाजवाब बेस है दोस्तों, बहुत ही धांसू बेस निकल रही है इस बोर्ड की।
और एक एक चैनल में इतनी क्लीन आवाज़ निकल रही है, अलग ही क्रिस्टल क्लियर निकल रहे हैं एकदम। ये देखिए इन्होंने अपना लोगो भी दिया है ऑडियो लाइट। मार्केट में जितने बोर्ड बिक रहे हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी जो है इस बोर्ड की है मुझे अभी तक जो लगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने बहुत एम्पलीफायर बनाए हैं लेकिन इस जैसे बोर्ड की अभी तक क्वालिटी नहीं आई। साउंड में क्वालिटी अभी तक ऐसी किसी भी बोर्ड में नहीं है दोस्तों, ये समझ लीजिए इतनी अच्छी क्वालिटी देता है बोर्ड। एक साउंड जो होती है ना उसे अलग ही लेवल पर लेके जाता है। जैसे आपने देखा होगा बाजी बोर्ड में आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसमें आवाज़ फटने लगती है, झुनझुनाने, ऐसी कोई भी शिकायत इस बोर्ड के अंदर मैंने नहीं देखी। उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा ऑडियो लाइट कंपनी को। और ये देखिए इस पे जो कनेक्टर लगे हुए हैं उस पे लिखा हुआ भी है एक एक चैनल पे कि यहाँ सब वूफर लगाना है आपको। ये देखिए यहाँ सब वूफर लिखा हुआ है और यहाँ पर इनपुट आर लिखा हुआ है और यहाँ पर इनपुट एल लिखा हुआ है। ये उन्होंने दे दिया ताकि कोई भी बंदा या कोई भी मकैनिक इसके कनेक्शन करे तो वो आसानी से कर ले। वैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती कनेक्शन में, आप किधर भी कर सकते हो, आप चाहे तो दूसरी साइड में भी कर सकते हो बेस का, लेकिन लिखा हुआ है उस लिखे हुए के थ्रू करेंगे तो आप अच्छा रहेगा, आपको पता रहेगा कौन सा क्या है, कौन सा चैनल कहाँ पे है, आप कन्फ्यूज भी नहीं होगे। वैसे तो कोई इतनी उलझन की बात नहीं है इसमें। ये देखिए यहाँ ग्राउंड है, यहाँ प्लस है और ये माइनस है। आप इस बोर्ड को 30:30 से लेकर 55:55 या 60:60 तक चला सकते हैं और 10 एम्पियर 20 एम्पियर का कितने भी एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। ज़्यादातर 10 एम्पियर या 15 एम्पियर का लगाते हैं, 100 पर तो कोई लगाता नहीं है। तो ये आराम से बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा, ये लगा लिए और बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का हो रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों इसका फ़ैन ज़रूर लगाना पड़ेगा आपको, बिना फ़ैन के मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस बोर्ड को चलाओ। फ़ैन ज़रूर लगा लेना क्योंकि ऐसा है अगर आप फैन लगाओगे तो जो हीटिंग होती है वो एक नॉर्मल रहेगी, ज़्यादा हाई नहीं पहुँचेगी। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसकी हीट सिंक की लेंथ दिखाऊंगा और इसकी बोर्ड की लेंथ दिखाऊंगा कितनी है। ये देखिए 7 कुछ इंच है और इसकी हाइट भी देखिए, ये देखिए 6 mm इसकी हाइट है और ये देखिए इसकी चौड़ाई 3 इंच है। ये देखिए पूरी 3 इंच है इसकी चौड़ाई, किसी भी एम्पलीफायर में आसानी से आ जाएगा, साइज बहुत अच्छा दिया हुआ है। और इसकी हीट सिंक की देखिए 3 mm हीट सिंक दी गई है और 1 mm अंदर का हीट सिंक का मेन एरिया दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये बोर्ड बहुत ही मस्त है और यूट्यूब पर ऐसा बोर्ड